now we practically implement data driven example. देखो डेटा ड्रिवन एग्जांपल का जो स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन आपको ब्लॉक के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। ब्लॉक के अंदर मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन करके दिया है कि सबसे पहले आपको अपाचे पीओआई लाइब्रेरीज, मतलब आपको आपके सिस्टम में तीन लाइब्रेरी, मतलब अपाचे पीओआई, सेलेनियम फ्रेमवर्क की लाइब्रेरी तो आपके पास होनी चाहिए, साथ में टेस्ट एंजी होना चाहिए। तो अपाचे पीओआई के लिए आपको सिंपल गूगल में लिख देना आप अपाचे पीओआई, ठीक है, कुछ भी नहीं, सिंपल आपको गूगल में लिखना है अपाचे पी वाई। जैसे आप लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे अपाचे पी वाई लिखा, डाउनलोड अपाचे पी वाई जार फॉर एक्सएलएस, ये साइट इसकी ओपन हो जाएगी। इस साइट ओपन होने के बाद आप इसके लिंक पे क्लिक करिए। जैसे आप इसके लिंक पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर जो भी रिलीज वर्जन है वो वर्जन आप इसके अकॉर्डिंग जो भी वर्जन है आपका उसको आप डाउनलोड कर लो, ठीक है, और यहाँ से आपको मिल जाएगा। बिल्कुल लेटेस्ट मत करना, थोड़ा सा कम वाला वर्जन यदि आप करोगे इट्स बेटर। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। तो पहला स्टेप आपको इसको डाउनलोड करना है। नेक्स्ट स्टेप सेलेनियम को कैसे आपको इंस्टॉल करना है ये तो आपको पता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और साथ थर्ड स्टेप आपको टेस्ट एनजी मैनेज करना है एक नए प्रोजेक्ट लेकर। तो मैंने ये सभी चीज़ें की हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि टेस्ट एनजी मैंने इसमें कर दिया है। साथ में मैंने पूरे लाइब्रेरीज़ जो भी अपाचे पीओआई के अंदर के जो लाइब्रेरीज़ हैं उन पूरे लाइब्रेरीज़ को आपको ऐड करना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अपाचे पीओआई की लाइब्रेरीज़ जब आप ऐड करेंगे तो आपको बहुत ध्यान से आपको ऐड करना रहेगा कि अपाचे पी ओ आई जो लाइब्रेरी है इस पी ओ आई के अंदर आपके पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के जार फाइल हैं। मतलब इसके अंदर आपको ये जार फाइल, इसके अंदर भी जार फाइल है, इन फाइल को पूरा ऐड करना है, इसके अंदर भी जार फाइल ऐड करना है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जार फाइल अपन ऐड कैसे करते हैं। जार फाइल ऐड करने के लिए वही सेम स्टेप आपको जो सेलेनियम में आपने फॉलो किया है, ऐड एक्सटर्नल जार करके आप जार फाइल ऐड कर सकते हो पूरे जार फाइल को और सेलेनियम के जार, कुल मिला के इतने सारे जार फाइल्स होंगे। और टेस्ट एनजी ऐड करने के लिए आपको ऐड लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा और यहाँ से आप टेस्ट एनजी ऐड करें। तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करना है। इसके बाद आपको एक एक्सेल सीट बनानी है, ठीक है। उस एक्सेल सीट के अंदर आपका जो टेस्ट डेटा है उसको आपको इंप्लीमेंट करना है। मैंने ये एक्सेल सीट इस तरीके से बनाई है, आप देख सकते हो इसमें मैंने यूजर नेम, पासवर्ड, रिजल्ट इस तरीके से बनाया हुआ है। ये मैंने डी ड्राइव के अंदर बना के रख दिया week1.xlsx करके, इसमें मैंने यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब चीज़ें इसमें दी हुई। इसके बाद आपको मेरा पूरा ये प्रोग्रामिंग आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस प्रोग्रामिंग को चला करके देख सकते हो। ये तो आपको ये स्टेप पता है, क्रोम ड्राइवर का रेफरेंस बनाया। एक्सेसिस वर्कबुक क्या होता है आपका, ये एक्सेल सीट को रीड करने के लिए होता है। एक्सेसिस सीट, क्योंकि एक्सेल सीट में तीन चीज़ें होती है, वर्कबुक के बाद शीट और शीट के बाद सेल। तो आपको यहाँ पर इसके लिए ये क्लास है, इसके लिए ये क्लास, इन सभी क्लासेस के रेफरेंस बना लिए। ये कोड तो आपको पता ही होना चाहिए, ये सिर्फ आपका nemoid.com की साइट को ओपन करा इसने। इसके बाद अपन एक्सेल सीट को यहाँ से रीड कर लेंगे, ठीक है। जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक्सेल सीट का नाम हमारा चेंज है, मैंने इसका नाम बुक वन दिया है। ये कोड जावा का कोड है जिसका मतलब होता है फाइल हैंडलिंग, मतलब फाइल के अंदर के डेटा को रीड करना। वर्कबुक का अपन ने ऑब्जेक्ट बनाया, वर्कबुक के बाद शीट पे गए, कौन से नंबर के सीट पे जाना है, जीरो, मतलब आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल में बहुत सारे सीट होते हैं, पहला शीट बाय डिफॉल्ट जीरो शीट है। अपन ने एक लूप चलाया आई इक्वल्स टू वन, और नंबर ऑफ रोज अपने पास वन है तो ये कितने बार चलेगा, इसलिए अपन ने यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल लगाया है। जो पहले मतलब फर्स्ट रो के अंदर जो पहला कॉलम है उसकी वैल्यू को अपन ने यहाँ पे गेट कर लिया, इसका टाइप बता दिया, और इसके अंदर की जो वैल्यू है उसको गेट करने के लिए गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यूज नाम से एक मेथड है, इस मेथड को अपन ने सेंड की इसके अंदर जाके सेट कर दिया। ऐसे अपन सेकेंड सेल की वैल्यूज को सेट कर दिया और इसके बाद बटन को अपन ने क्लिक कर दिया। तो मतलब आप डेटा ड्रिवन का एक छोटा सा एक सैम्पल एग्जांपल मैंने आपको बता रहा हूँ कि कैसे हमारे पास एक अलग से एक्सटर्नल फाइल है एक्सेल में, उस फाइल के अंदर के दोनों सेल के डेटा को अपन रीड कर रहे हैं और टेक्स्ट बॉक्स में रख रहे हैं। अभी यहाँ पे एक ही रो है, यदि आपको बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन को टेस्ट करना है तो वो भी बस इसके लिए आपको driver.navigate.back लगाना पड़ेगा कि वापस से फिर आपको वापस पीछे भी आना पड़ेगा, ओके। तो आप मल्टीपल इनपुट को भी टेस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ, एक बार आप देख सकते हो किस तरीके से वर्क करेगा। सबसे पहले आपकी साइट ओपन होगी, साइट ओपन होने के बाद अभी मैं यहाँ पर कोई यूजर से इनपुट नहीं दे रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्स मतलब मेरा जो एक्सेल सीट है वहाँ पर मैंने उसके अंदर के रोज के अंदर करेस्पॉन्डिंग कॉलम के अंदर मैंने डेटा दिया हुआ है, वहाँ से वो डेटा को रीड कर रहा है और यहाँ पर जाकर के आपका सब्स्टिट्यूट करेगा। देखो ये जो डेटा आपका आ रहा है, ये डेटा मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ये डेटा कहाँ से कनेक्टेड है, एक्सेल से कनेक्टेड है। तो एक्सेल से डेटा को आपके प्रोग्राम कोड तक लाने का काम और उसको वेब कंटेंट तक डालने का काम, वेब कंटेंट तक उसको ड्रॉप्ट करने का काम, इनपुट कराने का काम किसका है, ये काम आपका कर रहा है टेस्ट एनजी के अंदर का लोकेटर और उसके अंदर का कमांड। लेकिन आपके एक्सेल सीट के डेटा को जावा प्रोग्रामिंग कोड के थ्रू यहाँ तक लाने का काम कर रहा है अपाचे पीओआई लाइब्रेरी। तो अपाचे पीओ इसमें मतलब आप देखा जाए तो तीन लाइब्रेरी यूज़ हो रही है, सेलेनियम का फ्रेमवर्क की लाइब्रेरी, टेस्ट एनजी की लाइब्रेरी
और दूसरा अपाचे पीयूआई लाइब्रेरी। और इस तरीके से आप एक बार लाइब्रेरी चेक भी कर सकते हो, ये सभी यहाँ पर आपके अवेलेबल होंगे। इन सभी के आप अभी तक आप मोस्टली सेलेनियम के अंदर के ये जार फाइल ही आप यूज़ कर पा रहे थे, अब यहाँ पे देख सकते हो कि org.apache.py के ये चार अलग अलग आपके जार फाइल हैं और ये चारों जावा के फाइल हैंडलिंग के जार, मतलब इसमें जावा भी है, अपाचे पीओआई भी है और टेस्ट एनजी और सेलेनियम, मतलब चार अलग अलग चीज़ें इसके अंदर हम इम्प्लीमेंट करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस सेशन में मैंने आपको बताया ये पूरा कोड आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, आपको इसको इस कोड को पूरा आप अच्छे से चला सकते हो और इससे आपको ये पता चलेगा कि कैसे फ्रेमवर्क का इम्प्लीमेंटेशन होता है और कैसे फ्रेमवर्क वर्क करता है। ओके, थैंक्स फॉर दिस सेशन।